आज का हमारा अपडेट है गोड्डा से देवघर नई लाइन का अपडेट के ऊपर। आखिर गोड्डा से देवघर नई लाइन का काम कहां तक पहुंचा है और कब से चलेगी इस रूट पर ट्रेन, इसका अपडेट हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। से पहले चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। गोड्डा इसके साथ ही बांका और देवघर का सारा न्यूज आपको यहाँ पर मिलेगा। कोई भी अपडेट ना छूटे और सभी का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। गोड्डा हसडिया से मोहनपुर के बीच रेल पटरी बिछाने का काम जारी है। लोगों को उम्मीद है कि गोड्डा के पीरपैती और गोड्डा से देवघर के बीच सीधी रेल सेवा जल्द बहाल होगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक गोड्डा से हसडिया तक रेल प्रोजेक्ट अब किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है। रेल परिचालन का देखने को जल्द मिलेगा। वहीं हसडिया से देवघर के मोहनपुर के बीच भी कुछ किलोमीटर रेल लाइन का काम चल रहा है। लगभग 38 किलोमीटर इस रेल लाइन का लंबाई है, जो कि साल में इस बार पूरा हो जाएगा। मोहनपुर में यार्ड का काम चल रहा है, वहीं स्टेशन भवन भी बन रहा है। हसडिया मोहनपुर रेल लाइन होने के बाद गोड्डा से देवघर के बीच रेल परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए 2 साल का इंतजार करना होगा। तो ये था आज का अपडेट। नई वीडियो में कई और जानकारी हम लेकर के आएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे गोड्डा से पौड़ैया हाट के बीच आखिर CRS में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई है और गोड्डा से पौड़ैया हाट के बीच कब से चलेगी ट्रेन। इस वीडियो को आगे शेयर करें, साथ ही चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।